मार्केट है। अभी 11:50 हो गए हैं, हम लगभग 11 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और प्रसाद खाया, चाय पी और हमने मठ के दर्शन भी किए। तो अब हम चल रहे हैं वापसी अपने पुरने के कैंप पे जो हमारे पास सामान रखा हुआ। तो अब चलेंगे वापसी और रूट सेम है, इसमें ज़्यादा तो वीडियोग्राफी होगी नहीं, तो आपको सीधे मिलेंगे पुरने में। और हम निकल गए हैं जो मेन गेट है यहाँ का, उत्कल मोनेस्ट्री का। ये पूरा हमने जाना पड़ेगा ऐसे ही, सेम वैसे ही जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं नए वाले ब्रिज से जा रहा हूँ, पिछली बार मैं पुराने ब्रिज से गया था और अब हम नए ब्रिज से जा रहा हूँ। ये देखो झरना, बहुत ही प्यारा झरना। और ये ब्रिज आ रहा है, ये न्यूली कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। तो ये गुफा जो है ये 2500 साल पुरानी है, लेकिन जो मोनेस्ट्री बनी है वो 600 साल पुरानी है। अभी भाई ने ऊपर बताया मुझे, पहले मैं सोच रहा था मोनेस्ट्री 2500 साल पुरानी है, लेकिन बहुत शांत है वहाँ पे, शांति है पूरी। पहुँचना ही बड़ा टफ है। ये पुल आ गया, और ये मैं हूँ, ये मेरा ट्रैक है और ये हमारी नदी बह रही है और हम कर रहे हैं ट्रैकिंग। ये देखिए पहाड़, कितना बड़ा पत्थर अटका पड़ा बस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास और हमें 1 आवर 57 मिनट लगे ऊपर आने में, और 2 ही घंटे हमें, 2.25 घंटे लगे थे जाने में। तो टोटल हमारे लगभग 5 घंटे हो चुके होंगे। 5 घंटे का ट्रैक है, बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रैक है और व्यू एक नंबर है यार। और ये रोड देख लो आप, इसी रोड पर हमने बाइक चला के ले जाना, ये भी बहुत ख़राब रोड है, बड़ी मुश्किल होती है बाइक ऊपर चढ़ाने में। ये अमित भाई की बाइक, ये मेरी बाइक और 2 बाइक और आई हुई है, KTM एडवेंचर और हीरो इम्पल्स। ये आगे अभी रास्ता बना रहे हैं, ये रास्ता बना के उस ट्रैक पे मिलाएंगे ये, क्योंकि नीचे से काफ़ी घूम के आना पड़ता है। देखते हैं कब तक बनता है, ऐसे मिल जाएगा तो काफ़ी रास्ता बच जाएगा। तो हम चलते हैं अब पुरने में। तो गाइस बहुत टाइम लग गया यार, हम 2:30 बजे पहुँच गए थे, अब 4:45 हो गए हैं। पैकिंग करते हुए, खाना खाते हुए ये काफ़ी समय लग गया, बहुत थक भी गए थे, थोड़ा रेस्ट किया। अब पुरने से हम निकल पड़े हैं, मेरी पैकिंग हो गई है और अमित भाई और यशराज भाई निकल चुके हैं और हम यहाँ से सामने से रुक जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं सीधे पदम को और 3 घंटे हमें लगने वाले हैं, तो तकरीबन हम 8 बजे पहुँच जाएंगे पदम में, अगर सब कुछ सही रहा तो। कल की तरह 1 घंटा हमारा ख़राब हो गया था जब अमित भाई आगे निकल गए थे। होप फॉर द बेस्ट, बने रहे हमारे साथ। तो गाइस पुरने से हम निकल पड़े हैं और ये पुरने का कैंप सेट दूसरा, पहले हम जहाँ रुके हुए थे ये सेकंड वाला है। तो यहाँ पे 2 कैंप सेट हैं ये, तो ये ऑन द वे टू पदुम है, उसके लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। तो 1000 रुपीज़ होता है उसमें रहने का विद मील्स, खाने के साथ। ये देखिए रास्ता देखिए है, बोलती बंद हो जाती है कई बार, तो बहुत गंदा रास्ता यार, बाप रे ख़राब रास्ता, मिट्टी मिट्टी। आराम से उतरना पड़ेगा, देख लो भाई रास्ता ये है फाड़ू रास्ता, खड्डे पड्डे ऊबड़ खाबड़, बाइक की तो ऐसी तैसी हो जाए यहाँ पे। तो जो आज हम मोनेस्ट्री गए थे फुटसल, तो ये नदी के सारे सारे गए थे हम, तो आपने देखा ही होगा नदी के बिल्कुल साथ साथ जाते गए हम, पूरा ट्रैक है मिट्टी का, वो भी ख़तरनाक ट्रैक है यार, बिल्कुल एकदम खाई के साथ साथ, सर एक पैर का रास्ता है। और अभी ये क्रॉस करेंगे,
तो गाइस हम यहाँ से आए, देखे वो आयरन ब्रिज है, वो पुरने विलेज, छोटा सा विलेज है बस, ये बस ये तीन चार पांच घर हैं, एक वहाँ पे है, आपको मिल जाएगा होम स्टे, एक यहाँ पे। अभी तो एक बहुत ही स्टीप चढ़ाई आएगी, अभी उसमें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्लच प्लेट ठुकती है, बिल्कुल खड़ी है, देखते हैं। ये देखो रास्ता, देखो वो सामने, कल तो बहुत ही खतरनाक रास्ता था यार, समझ नहीं आया। लो जी माउंटेन के टॉप पे पहुंच गए हैं और हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। ये देखिए सामने, ये बिल्कुल माउंटेन के ऊपर हैं हम, और ये पल्ली तरफ के माउंटेन का सीन है, वहां से नीचे से नहीं दिख रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं आप। और लोग देखिए यहाँ पैदल जाते हैं, यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, लोग ट्रैक करके जाते हैं, कहीं भी एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो। बिल्कुल गहरी खाई है हमारे साथ में, और सिर्फ सिंगल गाड़ी निकल सकती है एक समय में। अभी तक की जितनी रोड देखिए, मोस्ट डेंजरस रोड है ये जंस्कार की, शिंकला पास से पदुम तक बहुत ही खतरनाक रोड है यार। जो मैक्सिमम स्पीड है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर की चल रही है अभी, कभी 17, कभी 20, कभी 22, ऐसे चल रही है। फर्स्ट और सेकंड गियर के अलावा कुछ नहीं चल रहा, अभी फर्स्ट गियर है, खड़ी चढ़ाई है, देखो फर्स्ट गियर। सेकंड को भी गांव को क्रॉस कर रहे हैं हम, नाम तो कहीं लिखा नहीं है इसका, अनमू विलेज, याक हिमालय होम स्टे। यहाँ भी एक होम स्टे है, अगर आपको चाहिए तो रुकने के लिए यहाँ रुक सकते हैं, और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, पहली बार मैं देख रहा हूँ रेगिस्तान में बाहर। और ये वाटर क्रॉसिंग, अभी ये 6:11 हो गए, हमारा एस्टिमेट जो पहुँचने का टाइम है 7:30 और 8 के बीच में होना चाहिए। यहाँ से रोड थोड़ी ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, यहाँ अगर मिट्टी वाला रोड हो तब दिक्कत नहीं है। आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा, आज सुबह हम 8:30 निकल गए थे फुटसल मोनेस्ट्री के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, उसका जो ट्रैक है वो तो खतरनाक है और ब्यूटीफुल है। 5 घंटे लगे हमें अप डाउन में, और 1.25 घंटा वहाँ पर हम रुके थे। वहाँ पर जाते ही आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, और चाय पानी मिलती है वहाँ पर, बहुत सेवा पानी होती है। आपको रुकना है तो वहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, आप रुक सकते हैं वहाँ पे। कल हमने नदी के अंदर से क्रॉस किया था, आज आयरन ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं इस नदी को, ये डिफरेंस है। ये देखिए आयरन ब्रिज, वहाँ भी बनना चाहिए यार आयरन ब्रिज, कोई भी ब्रिज बन जाए हमें क्या। तो अभी हमने पहली बस देखी है इस पूरे रूट पे, जो शिंगला वाला रूट और अभी तक टांडी वाले रूट में एक बस देखी है हमने, वरना तो महिंद्रा तो बहुत देखने को मिलती है यहाँ पे गांव के साइड में, महिंद्रा बहुत चलती है। ओहो अभी पत्थर उड़ के मेरे पैर में लगा जाके, और राइडिंग बूट का यही फ़ायदा है भाई साहब, जितने फ़ायदे के ना उतने कम हैं अपने राइडिंग बूट के। ये नहीं कि हल्का फुल्का, कोई राइडिंग बूट होना चाहिए सॉलिड। एक तो शिंगला पास से पहले मेरी बाइक गिर गई थी, मेरा पैर फंस गया था उसके अंदर, लेकिन सारा भार राइडिंग बूट ने उठा रखा था, मेरे पैर को इंच भर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 7 बज चुके हैं और हम रारू गांव को क्रॉस कर रहे हैं, और ये पूरा प्लेन वाला इलाका है, आप देख पा रहे होंगे पूरा प्लेन है, अब माउंटेन के नीचे आ गए हम, आगे से फिर माउंटेन शुरू हो जाएंगी। अब पता नहीं 10-15 किलोमीटर बच गया होगा, बीच में तो एक बार मेटल रोड भी आई थी, और ये बिजली का काम भी चल रहा है हर जगह, ये पोल्स लग रहे हैं और लाइन बिछ रही है बिजली की, तो दूर दूर गांव में लाइन के लिए काम हो रहा है। मुने विलेज, ओहो मेटल रोड, ओहो बधाई हो, मेटल रोड शुरू हो गई है मुने से, काफ़ी काम चल रहा है।
रोड बनने का, बन जाएगी 2-4 साल में काफी आगे तक। ओए मजा आ गया यार, हिप हिप हुर्रे। आज का दिन काफी अच्छा रहा है, सुबह मोनेस्ट्री घूम के मजा आ गया, वसूल हो गया हमारा तो टूर। और आज सिर्फ 50 या 55 किलोमीटर की राइड थी और कल से लागुना बेटर रास्ता था, पत्थर तो था, पथरीला तो था, लेकिन मैनेजेबल था, मैनेज हो रहा था। अभी देखो ये तो मेटल रोड आ गई है, मलाई मक्खन। वेलकम टू पदम। हैं? नहीं पीछे ही है। क्या रोड बनी है यार? हैं? क्या रोड बनी है? हाँ। 80-90 7-10 में यहाँ पे आ गया था। 7-10 पे? 7-10 पे आने के बाद मैंने की पेट्रोल पंप पूछा, कह रहे अंदर ही है, अंदर या मार्केट में पहुँच गया। वहाँ पूछा, कह रहे कम से कम 3-4 किलोमीटर होगा। गाड़ी वापसी ला जाएंगे। कोई रुकने की जगह पूछ लेता। मार्केट आगे? हाँ? आगे मार्केट। चल चलते हैं और देखते हैं। झूले 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 कहाँ गए आज? यहीं रुकेगा पदम में। हम आए हैं केलांग से। आज नहीं, आज भी रुका था पुरने मोनेस्ट्री गया, उधर पुक्तल मोनेस्ट्री गया, फिर वहाँ भैया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पदुम में, जो कि जंस्कार की कैपिटल कहा जाता है। जैसे लद्दाख की लेह है तो जंस्कार की पदुम। पदुम में पहुंच के पता ही नहीं चलता है कि हम जंस्कार में। उससे पहले आपने देखे कोई भी गांव थे, बिल्कुल रिमोट एरिया थे। और जैसे ही हम पदुम पहुंचे हैं और यहां का नक्शा ही बदल गया है। चारों तरफ बहुत ही शानदार मार्केट्स हैं, ये देख पा रहे होंगे आप दोनों तरफ कितनी बढ़िया मार्केट्स हैं। और काफी चहल पहल है पदुम में। तो हमें कुल 3 आवर्स लगे पुरने से पदुम में, और 55 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया। और आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, सुबह हमने 5 घंटे का ट्रैक किया। हम गए थे फुक्तल मोनेस्ट्री, उसके बाद हम आगे हैं पुरने से पदुम में। तो आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे, इसके बाद कल का जो भी प्रोग्राम होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी होटल लेके हम सीधा अब रेस्ट करेंगे, और काफी थके हुए हैं, सुबह ट्रैक किया है, फिर बाइक चलाई है, तो काफी थकावट हो गई है। बस अब आराम से सोएंगे और आपसे कल मिलेंगे। तो गाइस इस बात पे एक लाइक जरूर कर देना, कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अंत में दोस्तों, राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।